नमस्कार। आज हम आपके लिए नोटपैड वाली वीडियो का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने आपको नोटपैड का परिचय तथा उनके फाइल टैब और एडिट टैब के ऑप्शंस की जानकारी दी थी। आज के अध्याय में आप जानेंगे नोटपैड में फॉर्मेट टैब के ऑप्शंस, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे वर्ड रैप और फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले से ही अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम वर्ड रैप ऑप्शन, जिसे अभी हम आगे समझने वाले हैं, उसे डीसिलेक्ट कर देते हैं। चलिए अब फॉर्मेट टैब के ऑप्शन समझने के लिए हम अपनी नोटपैड फाइल में पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लाइन के अंत तक लिख लिया है, तो और कुछ लिखने पर कर्सर अगली लाइन में आ जाना चाहिए, पर नोटपैड में ऐसा नहीं होता। हम लिखते जा रहे हैं और जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में आने के बजाय सीधे आगे जाता जा रहा है, और इसके साथ ही नीचे एक स्क्रोल बार आ गया है और जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वो छोटा होता जा रहा है। अब यदि आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस स्क्रॉल बार को आगे पीछे करके पढ़ना होगा। अब यदि हम अगली लाइन में लिखना चाहते हैं, यानी लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो हमें एंटर प्रेस करना होगा। देखिए, ऐसा करते ही कर्सर अगली लाइन में आ गया है। अब हम ये लाइन भी पूरी लिख लेते हैं और अंत में आकर एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, कर्सर फिर से अगली लाइन में आ गया है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ना करना पड़े और कर्सर लाइन एंड तक टाइप हो जाने के बाद अपने आप अगली लाइन में आ जाए और सारा टेक्स्ट हमें सामने दिखाई दे, तो उसके लिए फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके मेन्यू में से वर्ड रैप ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए, वर्ड रैप पर क्लिक करते ही हमारी नोटपैड फाइल की पहली लाइन, जो पूरी दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब अलग अलग लाइंस में बटकर पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और अब हम उसे बिना स्क्रॉल बार की मदद लिए पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा कर्सर लाइन की शुरुआत में आ गया है। अब आपको जहां भी लिखना हो वहां माउस से क्लिक करें। हम आखिरी लाइन के अंत में क्लिक कर रहे हैं। वर्ड रैप ऑप्शन चालू करने के बाद जब हम फाइल में कुछ भी लिखेंगे तो हमें अगली लाइन में जाने के लिए एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। टाइप करते हुए जब हम लाइन के अंत में आएंगे तो कर्सर अपने आप अगली लाइन में आ जाएगा। चलिए अब आपको फॉर्मेट टैब के फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग नोटपैड में लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल, शेप इत्यादि को बदलने के लिए किया जाता है। अब आपको इस ऑप्शन का उपयोग करके बता देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में से फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फॉन्ट विंडो दिखाई पड़ेगी। इस विंडो में सबसे पहले फॉन्ट का नाम है। यहां हम आपको एक खास बात बता दें कि आगे हम जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव यहाँ नीचे सैंपल में दिखाई देगा। फॉन्ट के मेन्यू को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स के नाम देख सकते हैं। अब आपको जो भी फॉन्ट चाहिए हो उस पर क्लिक करके उसे चुन लें। हम फॉन्ट मेन्यू में से बुकमैन ओल्ड स्टाइल पर क्लिक कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फॉन्ट स्टाइल हर फॉन्ट के लिए अलग होती है। हम डाउन एरो से नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे ही हम यहां फॉन्ट का नाम बदलते हैं तो चुने हुए फॉन्ट के हिसाब से फॉन्ट स्टाइल भी बदलती जा रही है। अब हम फिर से बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम फॉन्ट स्टाइल को समझ लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप चार स्टाइल देख सकते हैं। हम एक एक करके चारों पर चलते हैं और नीचे सैंपल में देख सकते हैं कि टेक्स्ट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर पहली स्टाइल है लाइट, जिसमें टेक्स्ट साधारण स्टाइल में दिखेगा। फिर है लाइट इटैलिक, इसमें टेक्स्ट थोड़ा तिरछा दिखेगा। फिर है बोल्ड, जिसमें टेक्स्ट मोटा दिखेगा। और फिर है बोल्ड इटैलिक, जिसमें टेक्स्ट तिरछा और मोटा दिखेगा। अब यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है फॉन्ट साइज का।
जैसा कि आप देख सकते हैं साइज वाले मेन्यू में अलग अलग साइज दी हुई हैं। पहले हम 10 पर क्लिक कर रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई सा भी साइज चुन सकते हैं। हम डाउन एरो से नीचे जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो भी फॉन्ट साइज, स्टाइल इत्यादि चुने हैं उनका प्रभाव आप सैंपल में देख सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर रहे हैं। ओके पर क्लिक करते ही पूरे टेक्स्ट के फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज इत्यादि बदल गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही नोटपैड के सभी ऑप्शंस की जानकारी पूरी हुई। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।